सेवंथ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अरिथमेटिक ग्रुप इज सब्ट्रैक्ट आर, दैट इज सब्ट्रैक्ट कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर फ्रॉम एक्यूमुलेटर. द फॉर्मैट इज गिवन हियर. द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर, स्पेसिफाइड रजिस्टर आर, दैट इज नंबर स्टोर्ड इन रजिस्टर आर, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्यूमुलेटर एंड व्हाट एवर रिजल्ट यू विल गेट दैट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर. ओनली रजिस्टर्स आर यूज इन दिस इंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर. दिस इज वन बाइट इंस्ट्रक्शन एंड फ्लैग्स अफेक्टेड ऑल. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर. लेट इन एक्यूमुलेटर द नंबर ए बी इज देयर एंड इन रजिस्टर बी नंबर 98 इज प्रेजेंट. इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड इज सब्ट्रैक्ट बी, दैट मीन्स द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर. Here, accumulator is having AB and register B is having 98. From B, you have to subtract 8. Initially, you are at a position 8 and from 8, you have to count up to B. 1, 2, 3. Therefore, here, you will get subtraction as 3. From A, you have to subtract 9. That means initially you are at a position of 9. And from 9, you have to count up to A. Here only 1. Therefore, your answer comes to be 1. The accumulator contained the number 13H. It is in hexadecimal form. Write the number 1 using 4 bits at this place and 3 using 4 bits as a least significant nibble. 0, 0, 0, 1 and 0, 0, 1, 1 is the answer. How flags are set and reset in subtract instruction, that part is already explained to you, and you go through that part, you will come to know how flags are set and reset in subtract instruction.